वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, दिस इज जेसन एंड यू आर वाचिंग जेसन जेएक्स। मैं इंडिया के लेसन नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करता हूं, तो उन जगहों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इसी वजह से हमें ये भी पता चला है कि दिल्ली और गुड़गांव के आसपास 20 से 40 किलोमीटर के बीच में ऐसी औसम जगहें हैं जो हमें पहले कभी पता भी नहीं थी। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 7 और हम निकल चुके हैं ऐसे ही एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं अभी गुड़गांव फरीदाबाद वाले रास्ते में जा रहा हूँ। इस रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जैसे कि लद्दाख जैसी जगह और गोवा बीच की जैसी जगह और उत्तराखंड जैसे पहाड़ और बहुत सारी ऐसी ऐसी जगहें थी जो हमें कभी पता ही नहीं थी। तो चलो अब आगे चलते हैं और इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। मेरी बाइक में कुछ हो गया है जिससे ये स्पीड नहीं ले रही थी, तो अभी भैया इसको ठीक कर रहे हैं। ये सुरेंद्र है, सुरेंद्र की बाइक है। ये विलियम की हिमालयन है और ये विलियम की एवेंजर है। तो अब बाइक हो गई ठीक और अब हम लोग सब निकलने के लिए हो गए तैयार। तो हम 9 लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं इनसे ग्वाल पहाड़ी के रास्ते पे मिला और फिर हम लोगों ने वहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो अब हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव फरीदाबाद एक्सप्रेसवे के टोल पे। यहाँ पे बाइक का कोई चार्जेस नहीं है पर कार का है 25 रुपीज। तो टोल क्रॉस करके जो सबसे पहले हमें पहाड़ दिखा वो है मानव निर्मित गुड़गांव और फरीदाबाद का कचड़े का डंप वाला पहाड़। आप में से कुछ लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये गुड़गांव फरीदाबाद का रास्ता जंगल के बीच में से जाता है और इस जंगल में हाइना और चीता भी होते हैं। तो बातें करते हुए और नज़ारों का मजा लेते हुए हम लोग भूल गए कि हमें मांगर से राइट लेना था, तो हम लोग गलती से आगे चले गए। लेकिन आगे आने का भी एक फायदा हो गया। फायदा ये हुआ कि हम जब वापस जा रहे थे तो हमें एक घाटी मिली। तो यहाँ पे खाई है, मैं और आपको दिखाता हूँ इस खाई का ये व्यू। भाई कोई गिर गिर मत जाना, आसमान से गिरे सीधे बबुल पैड से। तो बहुत ही मस्त जगह है और अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे वेट रुके हैं और इसके बाद हम लोग मांगर होते हुए पानीकोट लेक जाएंगे। ये एक और ब्लॉगर आए, तुम्हारी YouTube चैनल का नाम क्या है? अभी खोला है या नहीं खोला अभी तक? तो फिर यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ। जो डेरा मेहरौली वाला रास्ता आएगा वहीं से कहीं पे से लेफ्ट लेके मांगर जाना है। तो चलो अब आगे निकलते हैं। तो अब हम लोगों ने एक्सप्रेसवे से ले लिया है लेफ्ट मांगर की तरफ और ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है। पूरा जंगल वाला रास्ता और रोड एकदम स्मूथ, बाइकर्स के लिए तो ये बहुत ही जन्नत वाला रास्ता है। तो अब हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग देखेंगे मिनी उत्तराखंड, मिनी लद्दाख और बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए ये है पीकॉक और मेरे राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए यहाँ से प्रॉपर ऊंचे ऊंचे हिल स्टेशन वाले पहाड़। अभी पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ से बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं। अभी आगे जाके देखेंगे। दुनिया अलग ही है। भी है।
तो ये दिल्ली गुड़गांव के पास तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। ऐसे हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसी जगह भी है। अब हम लोग ये नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ से भी देखो जो मस्त आएगा ना, बिल्कुल पहाड़ों वाली फीलिंग। तो चलो अब आगे चलते हैं। ने पूरा रंग डाल दिया हमारे ऊपर यहाँ पे, छोटे पिल्लों ने डाल दिया। अब होली वाले दिन निकले हैं तो ये ऐसा होगा ही होगा। तो अब मांगर से तो हम लोग निकल गए, अब हम जा रहे हैं दौज की तरफ। ये पूरा खेत और पीछे पहाड़ और सामने कितनी सारी गाय। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली और गुड़गांव के नजदीक मिनी लद्दाख। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे नए नए जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।